हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट मारुति बलेनो एंड टाटा अल्ट्रॉस का कंपैरिजन, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, टाटा अल्ट्रॉस जो जस्ट दिखाई गई है एट द जेनिवा मोटर शो, हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया आपके लिए। अगर आपने वो मिस किया है, डू गो एंड चेक इट आउट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस गाड़ी का अगर आप एक्सटीरियर देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसको ह्यूमैनिटी फ्रंट ग्रिल मिलता है, जो टाटा मोटर्स की दूसरी और गाड़ियों में भी आता है। ये इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज है, और इसकी हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर के पार्ट पे एक ब्लैक पैच दिया हुआ है, और अंडरनीथ जो हेडलैम्प है वो काफ़ी स्लीक, काफ़ी पतली है, और उसमें एक पार्ट प्रोजेक्टर लाइट है, एक हैलोजन है। अंडरनीथ आपको मिलता है फॉग लैम्प, जहाँ पे आपके पास डे टाइम रनिंग LED है, और फॉग लैम्प का इंटीग्रेशन हाउसिंग एक ही है। बॉनेट पे देखेंगे तो इस पे स्ट्रेक्स मिलते हैं, जो इसे काफ़ी स्पोर्टी एंड मस्कुलर बना देते हैं। फ्रंट से गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है, कोई कोई लोग कहेंगे कि ये इंडिका जैसी लगती है, एंड देर आर सम क्लियर कनेक्शंस। ओवरऑल इसका लुक अच्छा है, बॉनेट काफ़ी बड़ा है इस गाड़ी का। अगर आपको याद होगा 4x5 जो ऑटो एक्सपो पे दिखाई गई थी, वो एक कॉन्सेप्ट और ये प्रोडक्शन वर्जन है, यानी कि इसमें कुछ कुछ फीचर्स कम हो जाएंगे फॉर श्योर। टायर अगर आप इसके देखेंगे तो 17 इंच के व्हील्स दिखाए गए थे इन जेनीवा, पर इंडिया में एक्सपेक्टेड है इसको 16 इंच के व्हील्स मिलने के। साथ में इसको आगे डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी स्पोर्टी है और बहुत बढ़िया लगता है। इस पर एक ब्लैक पैच दिया हुआ है विंडो के नीचे, जो इसे काफ़ी कूल बना देता है। जैसे नेक्सॉन में वाइट है, इसमें ब्लैक दिया हुआ है। इसको ब्लैक रूफ मिलती है, और ऊपर जो आपको एंटेना है, दैट्स अ वेरी बेसिक एंटेना। साथ में इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा दिखता है, एंड दिस विल कम विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। रियर में भी वो ब्लैक पैच कंटिन्यू होता है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो आईब्रो लुक जो आगे दिया हुआ है हेडलैम्प को, वो टेल लैम्प में भी दिया हुआ है, और अपील बहुत अच्छा है। स्पॉइलर इसको सेम टियागो जैसा दिया हुआ है, तो हाफ स्पॉइलर सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, एंड दिस लुक्स प्रिटी नीट। वहीं अगर आप बलेनो की बात करें, तो इसका फ्रंट एंड जो है काफ़ी हद तक इज़ वेरी मच लाइक द ओल्ड स्विफ्ट। ये आपको कोई भी मारुति की गाड़ी की याद दिलाएगा फॉर श्योर, और इसको अब थोड़ा ट्वीकिंग दिया हुआ है इन इट्स बम्पर, उसके अलावा कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है इसमें। साइड में जब आप इसको देखते हैं, तब इसको नए 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, जो बहुत कूल लगते हैं। पुराने वाले मेरे हिसाब से बहुत डल एंड बोरिंग थे, द न्यू वंस आर प्रिटी इंटरेस्टिंग। इसमें साइड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, डिज़ाइन काफ़ी वेल प्रोपोर्शनड है, और ये दिखने में सबसे लंबी लगती है इन इट्स सेगमेंट। उसके बाद जब आप इस गाड़ी का रियर एंड देखते हैं, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि इसके टेल लैम्प जो है LED एंड बल्ब का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ओवरऑल गाड़ी का लुक दोनों अच्छा है, पर्सनल चॉइस है, आपको अल्ट्रॉस पसंद आती है या फिर बलेनो पसंद आती है। इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं, अल्ट्रॉस लुक्स प्रिटी नीट। इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा क्लीन है, इसमें आपको ऑल न्यू डिज़ाइन का स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, जो बहुत बढ़िया लगता है। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स है फॉर म्यूजिक सिस्टम, राइट साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर क्रूज कंट्रोल। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन भी काफ़ी नया है, राइट साइड का पार्ट इज़ एनालॉग और लेफ्ट पार्ट इज़ डिजिटल, तो ये सेम है जो आपको हैरियर में आता है। हावेवर दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा टेक्स्ट वेक्स माइनर ट्वीकिंग दिया हुआ है, उसके अलावा बहुत मेजर चेंज नहीं है इसमें। इसका सेंटर कंसोल नोटिस करेंगे, 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम जो आपको नेक्सॉन में भी आता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। सेंटर कंसोल में आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल भी, एंड आफ्टर दैट आपको इको मोड का बटन दिया हुआ है बिहाइंड द गियर लिवर। अब ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, एंड इंटीरियर्स भी इसके काफ़ी प्यारे हैं। ग्लव बॉक्स की साइज इज ह्यूमंगस। सीट्स का कंफर्ट अच्छा है, फ्रंट सीट्स, और ये काफ़ी अच्छी है ऑन द इनसाइड, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंप्लेन करने को नहीं है। हाँ, इसमें आपको 6 एयरबैग्स नहीं आते, 2 एयरबैग स्टैंडर्ड आएंगे गाड़ी में, ABS प्लस EBD भी मिलेगा, प्लस आपको इसमें जो मिरर मिलेगा वो नॉर्मल रहेगा, हाथ से एडजस्ट करने वाला डे एंड नाइट, नॉट द ऑटो डिमिंग वन।
इसका रियर सीट स्पेस स्पेस इज नॉट द बेस्ट इन इट सेगमेंट, बलेनो में स्पेस ज़्यादा मिलेगी आपको, एंड आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और एक आर्मरेस्ट मिलेगा जिसपे कुछ नहीं रहेगा, नो कप होल्डर्स, नथिंग। पीछे दोनों डोर्स में आपको दो बॉटल होल्डर्स मिलेंगे और इसका बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है एंड पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट इन इट सेगमेंट। टाटा मोटर्स ने सारे डिटेल्स रिवील नहीं किए बट इट विल हैव अ मैसिव बूट और इसकी एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी कंपनी ने शेयर नहीं की है फिलहाल। बलेनो के इंटीरियर्स आर प्रीटी नीट, बहुत क्लीन ब्लैक इंटीरियर्स दिए हुए हैं इसको, बट इसका टच एंड फील थोड़ा और प्रीमियम किया जा सकता था। स्टीयरिंग व्हील पे आपको काफ़ी अच्छा फिनिश दिया हुआ है एंड यू गेट ऑफकोर्स योर कंट्रोल्स जो नॉर्मली आते हैं आपको ऑफ म्यूजिक सिस्टम। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और इस पर ग्राफिक्स दिए हुए हैं जैसे आपको सियाज में भी आते हैं अभी एंड इवन द अर्टिका गेट्स दोज। सो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टच स्क्रीन सिस्टम को अपग्रेड मिला है और अब जो वैगन आर का आता है टच स्क्रीन सेम सॉफ्टवेयर इसमें भी दिया हुआ है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये फीचर्स मिलते हैं इसको। एंड जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम के अलावा क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है दैट्स प्रिटी ईजी टू यूज़ ऑल्सो। इसमें भी आपको फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेस अच्छी ऑफर करती है गाड़ी एंड ओवरऑल इट फील्स वेरी नाइस। रियर सीट का कंफर्ट इज डिसेंट क्योंकि स्पेस तो बहुत अच्छी है पर जब खराब रास्तों पे आप गाड़ी चलाते हैं तो सस्पेंशन अनइजी फील करेगा आपको, खास करके बैक पैसेंजर्स के लिए। बूट स्पेस इसका डिसेंट है, नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट पर काफ़ी बड़ा है। अब बलेनो जहाँ शाइन करती है वो है स्पेस, लेकिन ऑल्ट्रॉस जहाँ शाइन करती है दैट इज कम्फर्ट एंड इवन द बिल्ड क्वालिटी। अगर हम बात कर ले इंजन्स की तो बलेनो में आएगा 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.3 लीटर डीजल। दोनों इंजन्स 84 एंड 75 bhp का पावर बनाते हैं और इनका पावर बहुत ज़बरदस्त है, माइलेज भी काफ़ी अच्छी देती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सो एज एन इंजन दोनों में विन विन सिचुएशन बहुत है, लेकिन डीजल इंजन का नॉइस काफ़ी ज़्यादा है कैबिन में और पेट्रोल बहुत शांत है। अगर हम बात कर लें ऑफ द अल्ट्रास, यहाँ पे आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड टियागो वाला इंजन आएगा, 1.2 लीटर 100 bhp 5 स्पीड मैनुअल आएगा फ्रॉम द नेक्सॉन और वहीं पे 1.5 लीटर डीजल आएगा 100 bhp 5 स्पीड जो नेक्सॉन में भी दिया हुआ है। ऑफकोर्स द गियर बॉक्स विल चेंज। अल्ट्रॉस में एक्सपेक्टेड है या AMT आएगा या फिर आपको मिलेंगे अ न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इस पर क्लैरिटी पूरी नहीं है पर जहाँ पे अल्ट्रॉस विल शाइन ओवर द बलेनो विल बी द प्राइजिंग। बलेनो की करंट प्राइजिंग इज समवेयर बिटवीन 6 to 9 lakh रुपीज, ऑन रोड 9.5 lakh तक जाता है और अल्ट्रॉस की प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एट 5.5 lakh रुपीज ऑन रोड, जो इसे बहुत ही बेहतरीन पैकेज बना देगा इन इट्स सेगमेंट और इस वजह से ये एक विनर बन सकती है। पर फिलहाल प्राइजिंग अनाउंस नहीं हुई तो हम आपको विनर नहीं बता सकते। अल्ट्रॉस लॉन्च की जाएगी अगस्त में और That is when you will come to know the exact pricing. तभी तक के लिए आपको एक क्लैरिटी मिल गया कि आपको कौन सी गाड़ी के लिए रुकना चाहिए और क्यों नहीं, और एक डिटेल कंपैरिजन हो गया हमारी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और हाँ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो, टेक केयर, ड्राइव सेफ।